श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज जो खबर हमें मिली है गुरुजी के बारे में, जी हाँ, प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जो खबर दी है, और ये गुरुजी ने ही बताया है कि गुरुजी की जो कथा नीमच में जो कथा होने वाली थी, वो कथा आज से शुरुआत होने जा रही थी, पर वह कथा नहीं हो पाई। गुरुजी आए थे कथा पंडाल में और गुरुजी ने सभी को बताया कि अब कथा नहीं होगी। जी हाँ, और बड़ी दुख की खबर है हमारे लिए, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे। एक हफ्ते से गुरुजी की कथा नहीं आई थी, गुरुजी कथा आने वाली थी एक तारीख को, पर अब कथा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ लोगों ने, जी हाँ, गुरुजी ने ऐसा कहा है कि गुरुजी को चोट आई है सर में। आपको सभी को पता है कि गुरुजी ने अभी हाल ही में सीहोर में होली का उत्सव रखा था। महादेव की होली सीहोर में हुई, फिर उसके बाद 29 मार्च को हुई थी, सीहोर के बाद आष्टा में, और आष्टा में 29 मार्च को महादेव की होली थी। उस होली के बीच में गुरुजी को कुछ लोग गुलाल फेंक कर मार रहे थे, लेकिन भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने, एक ऐसे दुश्मन ने गुरुजी को गुलाल के बदले में नारियल फेंक कर मार दिया। जी हाँ, और वह इतनी जोर से लगा कि गुरुजी को ऊपरी तो कोई चोट नहीं आई, जैसे कि सिर पर सामने दिखे, लेकिन गुरुजी को अंदरूनी चोट, जिसे कहते हैं, वह अंदरूनी चोट गुरुजी को आई है। यानी कि गुरुजी को ब्रेन में, उनके दिमाग में अंदर कोई चोट आई है। जैसे हमें बाहर लगती है तो सूजन आ जाती है, पर गुरुजी के सिर पर वह बाहर नहीं दिख रही है, चोट अंदर से आई है, अंदर सूजन आ गई है, और सूजन के कारण डॉक्टरों ने गुरुजी को सख्त मना करा है कि वह अभी कथा नहीं करेंगे। जी हाँ, डॉक्टरों ने गुरुजी को कहा है कि गुरुजी बिल्कुल भी कम से कम बोले, ज्यादा ना बोले और कथा ना करें। और अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि गुरुजी निजी अस्पताल इंदौर में एडमिट भी थे, तो गुरुजी 2 से 3 दिन तक एडमिट रहे और गुरुजी को आराम नहीं मिला। तो फिर गुरुजी ने कहा कि चलो, जो कथा चल रही है उस कथा में जाकर सभी लोगों को ये खबर दे देते हैं। तो गुरुजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर कथा पंडाल में आकर सभी को बताया कि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, मैं कथा नहीं कर सकता हूं। बहुत लोगों को आशा थी कि कथा होगी, तो गुरुजी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरी जीजी हो, जीजा हो, आप अपने भाई के हालात को समझो, ऐसा बोलकर और क्षमा मांगते हुए। गुरुजी ने कहा कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य होता है। गुरुजी ने ऐसा कहा कि मैं हर कथा में कहता हूं, पहला सुख निरोगी काया, मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। तो उसके बाद कथा का मैं बताऊंगा कि कथा कब से होगी, और अभी तक की हाल ही में जो कथा होने वाली थी वह सब कथा निरस्त हो गई है। अभी गुरुजी की कथा का कोई भी शेड्यूल नहीं है। गुरुजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद गुरुजी खुद बताएंगे आकर कि मैं कथा कब से शुरुआत करने जा रहा हूं। हम सभी को बस महाकाल से प्रार्थना करना है कि हमारे गुरुजी को महादेव बहुत ही जल्दी ठीक कर दे, ताकि वह हमारे बीच वापस आ जाए, ताकि हमें गुरुजी की मदद से हमारी बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालने का मौका मिल जाता है। जी हां, गुरुजी ने सभी को भक्ति भाव में जोड़ा है, महादेव के चरणों में गुरुजी ही लेकर आए हैं। तो हम सबको महादेव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा के आना और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आप हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। आज तक ऐसी खबर नहीं आई थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी को किसी ने गुलाल के रूप में गुलाल फेंकते फेंकते किसी ने उन्हें नारियल फेंक कर मार दिया है। खबर तो बहुत बुरी है, सभी को इंतजार था कथा का। कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी बहुत जल्दी हमारे सम्मुख आकर कथा का आरंभ करेंगे। तब के लिए आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभयम्, हर हर महादेव, भोलेनाथ का अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और महादेव से जुड़े रहिए।